नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो बिटकॉइन का प्राइस है वो 5700 के आसपास आ चुका है और इथेरियम का प्राइस है $459 के आसपास आ चुका है। इसका जो मेन रीज़न है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो इंडिया में जो मार्केट चल रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो जेपे ने जो रिसेंटली अपडेट दिया है कि INR का जो विड्रावल है और डिपॉजिट है वो अभी कोई भी बैंक उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, और इसके अनाउंसमेंट के बाद बिटकॉइन, रिपल, बिटकॉइन कैश, सब जितने भी करेंसी है उसका जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक डाउन आ गया है, जैसे इन्होंने 21 जून को ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की थी। ठीक है, तो RBI ने 90 दिन का जो टाइम दिया था, 90 दिन के जो टाइम में अभी 2 वीक बाकी हैं, और उसमें यह बोला गया था कि कोई भी बैंक क्रिप्टो करेंसी से डीलिंग नहीं करेगा, सबके सब अकाउंट उनके फ्रीज किए जाएंगे। जैसे बैंक कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, उन्होंने ईमेल सेंड किए हैं सभी जितने भी उसके कस्टमर्स हैं और जितने ट्रांजेक्शन चल रहे हैं उन सभी को। जैसा कि आप देख रहे हैं रेट पहले था 8, इसका जो रेट था 8000 था इससे पहले, और इसके पास जो टोटल BTC हैं 1100 के आसपास BTC जेपे के अकाउंट में डिपॉजिट है, जैसा कि कॉइन मार्केट कैप में अभी एट प्रेजेंट दिखाया जा रहा है, और उनकी वैल्यू इतनी है 8029275 USD के आसपास टोटल एसेट्स हैं जेपे का, और इतनी करेंसी इसके पास अभी है जिनकी ट्रेडिंग अभी चल रही है। ठीक है, और अभी जैसे ये बैन लिफ्ट होता है उसके बाद आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है RTA के द्वारा मिली है, क्योंकि RBI ने इससे पहले कोई भी अपना रिसर्च नहीं किया था बैन करने से पहले, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है अभी, तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जेपे के द्वारा चल रहा है, जेपे के अनाउंसमेंट के बाद बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 5700 टच कर चुका है, और आने वाले दिनों में इसका जो प्राइस है वो 5200 के आसपास जाने की संभावनाएं हैं अभी, और इन्होंने जैसे नोटिफिकेशन जारी किया है तो इसका जो प्राइस है और काफ़ी करेंसी का जो प्राइस है वो कंटिन्यू डाउनफॉल होता जा रहा है, और अभी आने वाले टाइम में इसका जो प्राइस है वो बढ़ सकता है BTC का, तो आपको यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने जो डिपॉजिट और विड्रावल को बैन कर रखा है जेपे ने INR को, क्योंकि बिकॉज इसका जो INR का जो अकाउंट है जेपे का वो अभी फ्रीज हो चुका है कुछ टाइम के लिए और बाद में ओपन हो जाएगा। अभी करंट न्यूज़ सुनने में यह आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट है जो कि बिटकॉइन को लीगल करने वाली है, और उसके लिए अभी कमेटी बैठाई गई है, और टैक्स का जो प्रारूप है वो उसका प्रावधान किया गया है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करेंगे उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज़।